समुंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है। 75% ऑफ अर्थ कवर्ड है पानी से, तो आप सोच सकते हैं ये कितना विशाल है। मिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशन के बाद वहाँ बहुत सारे जहरीले क्रीचर्स हैं जो स्कूबा डाइवर्स के वेकेशन को बिगाड़ सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए मेरे साथ ये वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 वेनमस सी क्रीचर। नंबर 10, फ्लावर अर्चिन। आप हमेशा से सोचते होंगे कि जहरीले क्रीचर क्विक अटैक करते होंगे या फिर काटते होंगे, पर ऐसा नहीं है। फ्लावर अर्चिन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है एज अ मोस्ट डेंजरस सी अर्चिन, और वो कोई रीजन के बिना नहीं बना। डाइवर्स और स्विमर्स को पता है कि उनको सी अर्चिन से बिल्कुल बच के रहना है। कितनी बार ये ऐसी जगह पे होते हैं कि ये आपको दिखेंगे भी नहीं। अगर आपने इन पे पैर रख दिया तो इनके स्पाइन का भयानक दर्द आपको महसूस होगा। ये दर्द आपको तुरंत ही महसूस होगा। फ्लावर अर्चिन अलग ही लीग में आता है। इनका स्पाइन लगने से आपको भयानक दर्द के अलावा पैरालिसिस भी हो सकता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है दोस्तों। इसकी वजह से डाइवर्स इनसे दूर ही रहते हैं। नंबर 9, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। क्या आप कोई क्रीचर जानते हैं जो सिर्फ 30 ग्राम के वजन का हो और 20 इंसान को अपने पॉइजन से मार सके? नंबर 9 पे है ब्लू रिंग ऑक्टोपस, जिसका पॉइजन 1200 गुना पावरफुल है साइनाइड से। ये क्रीचर से आप पंगे नहीं लेना चाहोगे। ब्लू रिंग ऑक्टोपस ब्लेंड हो जाता है एनवायरमेंट से और छिप जाता है। अगर उसको खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत येलो कलर का हो जाता है और अपने ब्लू रिंग्स दिखाता है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है। फिर वो अपना जानलेवा वेनम छोड़ता है। पर अच्छी खबर ये है दोस्तों कि ये इंसान पे अटैक नहीं करता जब तक इन्हें खतरा महसूस नहीं होता। आपको मैं डराना नहीं चाहता, पर इसके पॉइजन का कोई एंटीडोट भी नहीं निकला है। इसका इलाज यही है कि इसके सिम्टम्स को ट्रीट करें जब तक इस वेनम की ताकत खत्म ना हो जाए। नंबर 8, स्टिंगरे। क्या आपको पता है कि 2006 में कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड फेमस क्रोकोडाइल हंटर स्टीव ओविन की जान किस प्रेडेटर ने ली थी? वो कोल्ड ब्लडेड किलर एक ऑस्ट्रेलियन बुल रे था, जिसका नाम सबसे बड़े स्टिंगरे के स्पीसीज में आता है। स्टिंगरे बहुत इनोसेंट दिखते हैं, पर यह सब एक ट्रिक है। कैलिफोर्निया के स्विमर्स को इसका खौफ बड़े अच्छे से पता है। अगर गलती से भी आपने इसके ऊपर पैर रख दिया तो इसके बाद आपको ऐसा दर्द होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। खतरा महसूस होने पर ये स्टिंग करते हैं अपने टेल से, जिसमें वेनम होता है। इनके वेनम में एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द और मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकता है, और अगर ये बढ़ गया तो इससे जान भी जा सकती है। नंबर 7, कोन स्नेल। मोस्ट डेंजरस सी क्रीचर में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्नेल भी लिस्ट में हो सकता है। आपको ये सुन के आश्चर्य हुआ होगा। स्नेल को हम एक स्लो और छोटे क्रीचर की तरह जानते हैं, और हमें लगता है कि ये इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। पर ये इनोसेंट दिखने वाला कोन स्नेल, जो 10-15 सेंटीमीटर बड़ा होता है, बहुत ही खतरनाक है। इसके वेनम का सिर्फ एक ड्रॉप 20 आदमी को मार सकता है। अगर आपको शेल कलेक्ट करने का शौक है तो आपको बताना चाहूँगा कि आप इनसे बच के रहिएगा। ये अपना वेनम कौन से भी डायरेक्शन में निकाल सकता है। ये आपको समुंदर की गहराइयों में मिलेगा, तो डीप डाइवर्स इनसे दूर ही रहते हैं। ये स्नेल का निकनेम है सिगरेट स्नेल, क्योंकि अगर इन्होंने आपको स्टिंग किया तो आपके पास खाली एक सिगरेट पीने का टाइम है। खुशी की बात यह है कि 90 ईयर्स में अब तक खाली 36 इंसान की जान गई है। नंबर 6, बैरेकुडा। समुंदर में बहुत से जहरीले और खतरनाक क्रीचर है, और बैरेकुडा का नाम इसके टॉप लिस्ट में आता है। बैरेकुडा 6 फीट लंबे होते हैं, जो एक एवरेज इंसान से बड़ा होता है। अगर आप इसे आगे से देखेंगे तो आपको इसके नुकीले बड़े और छोटे दांत दिखेंगे। ये उसके शिकार को अपने बड़े दांत से बाइट करके पकड़ता है और छोटे दांत से उसके टुकड़े कर देता है। बहुत जन को पता नहीं कि बैरेकुडा भी वेनमस होते हैं, पर सब बैरेकुडा वेनमस नहीं होते। तो कुछ बैरेकुडा वेनमस नहीं होते और कुछ होते हैं, ऐसा क्यों? बैरेकुडा का टॉक्सिन लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि ये जो फिश खाते हैं वो एक टाइप का एल्गी खाते हैं, जो प्रोड्यूस करता है सिग्वाटेरा टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जमा होते आता है बैरेकुडा की बॉडी में। इसी वजह से CDC ने ये फिश को खाने से अवॉइड करने कहा है। नंबर 5, लायन फिश।
लायन फिश बहुत खूबसूरत दिखते हैं, पर ये रंग रूप पे ना जाइएगा। कहा जाता है कि इसका स्पाइन लगने से आपकी जान नहीं जाएगी, पर इसका वेनम इतना भयानक दर्द देगा कि एक इंसान उसके बदले मरना पसंद करेगा। लायन फिश का वेनम इंजेक्ट होने के बाद एक्सट्रीम पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कन्वल्शंस, डिजीनेस, रेडनेस, हेडेक, नमनेस, हार्टबर्न, डायरिया और स्वेटिंग हो सकता है। इनसे आप दूर ही रहिएगा, कभी कभी ये जानलेवा भी बन सकते हैं। नंबर 4, सी स्नेक्स। आप तो जानते ही होंगे कि स्नेक्स कितने जहरीले होते हैं, पर सी स्नेक्स अलग ही लीग के हैं। अब तक 69 स्पीसीज सी स्नेक्स के मिले हैं और वो सब के सब वेनमस हैं। पर कहा जाता है इनमें से बेल्चर सी स्नेक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। अगर मैं इसका वेनम कोबरा से कंपेयर करूँ तो बेल्चर सी स्नेक का वेनम 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसका मिलीग्राम जितना जहर 1000 इंसान को मार सकता है। पर आप डरिए मत, ये इंसान पे जल्दी से हमला नहीं करता। ये तभी हमला करेगा जब इसे खतरा महसूस होगा। तो भी मैं आपको इनसे दूर रहने की ही सलाह दूंगा। अब हम देखने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 3 वेनमस और डेंजरस सी क्रीचर्स को। उसके पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 3, स्टोनफिश। स्टोनफिश बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने आप को कैमोफ्लाज करता है, पर इनके पास कैमोफ्लाज होने के अलावा और एक हथियार है और वो है उसका वेनम। स्टोनफिश को मोस्ट वेनमस फिश इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये 30-40 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होते। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि आपको खतरनाक होने के लिए बड़ा या विशाल दिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टोनफिश शैलो वाटर में रहते हैं और अपने आप को नेचुरल प्लांट लाइफ में ब्लेंड कर देते हैं। ये नेचुरल प्लांट लाइफ में कैमोफ्लाज करके वेट करते हैं अपने शिकार का और क्विक अटैक करके अपने शिकार को पकड़ता है। स्टोनफिश अपना वेनम खतरा महसूस होने पर ही यूज़ करता है, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए वेनम नहीं यूज़ करता। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और अच्छी खबर ये है कि इसका एंटीडोट भी निकल गया है और 100 साल में एक भी मौत नहीं हुई है इसकी वजह से। नंबर 2, बॉक्स जेलीफिश। इनके पास नुकीले दांत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गति से आप पे हमला भी नहीं करेंगे, पर ये इतना खतरनाक है कि ऑस्ट्रेलिया में स्नेक्स, शार्क्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को मिलाकर इतनी जान नहीं गई है जितनी इसने ली है। नंबर 2 पे है बॉक्स जेलीफिश, जो ट्रांसपेरेंट और पेल ब्लू कलर के होते हैं। इसकी वजह से वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम लगा ये ढूंढने कि स्विमर्स और डाइवर्स को कौन सी चीज़ इतनी भयानक दर्द दे रही है। बॉक्स जेलीफिश में इतना वेनम होता है कि ये 60 ह्यूमंस की जान ले सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका वेनम इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि ये कोई इंसान की जान 5 मिनट के अंदर ले सकता है। बॉक्स जेलीफिश बाकी जेलीफिश की तरह फ्लोट नहीं करते, ये स्विम भी कर सकते हैं। इनके पास और एक एबिलिटी है जो दूसरे जेलीफिश के पास नहीं है, इनके पास आंखें हैं। इसका मतलब इसको शिकार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये स्विम करके खुद ही शिकार कर सकते हैं। बॉक्स जेलीफिश ज़्यादातर फिश और श्रिम्प्स खाते हैं। नंबर 1, पफर फिश। और मोस्ट वेनमस सी क्रीचर में नंबर 1 पे आता है पफर फिश। अगर आपको पता नहीं तो बताना चाहूँगा कि पफर फिश में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का टॉक्सिन होता है जो 1200 गुना ज़्यादा पॉइजनस है साइनाइड से। नॉर्मली ये दिखने में दूसरे फिश जैसी ही लगती है, पर जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये इन्फ्लेट होके बॉल शेप में बन जाते हैं। आपको इसके काटने से खतरा नहीं है, प्रॉब्लम तभी होगा जब आप इसे खाएंगे। इसका डर इतना ज़्यादा है कि ये फिश बैन है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। इतना पॉइजनस होने के बावजूद पफर फिश जापान में खाते हैं, पर खाने के लिए ध्यान से इसके सारे पॉइजनस पार्ट्स निकालने पड़ेंगे, बल्कि पूरे जापान में कुछ ही शेफ के पास ये स्किल्स है।